वो तेल था कचप काला और जो बॉडी के अंदर था वो था साफ। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर वाला जो तेल है ना फिल्टर होके वो जाता है दूसरे पाइप से इंजन में। अगर वो डायरेक्ट चला जाए तो इसके इंजेक्टर ही चौक हो जाएंगे, इंजन ख़राब हो जाएगा। सही बात। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि गाड़ी की सर्विस किस तरह से होती है। यहाँ पे ये मार्केट है, मेन बाज़ार तिकोना पार्क फरीदाबाद NIT में लगता है, और यहाँ पे होती है गाड़ियों की जितनी भी सर्विसिंग वगैरह है उनकी रिपेयरिंग जो है इस जगह पे होती है। आज मैं यहाँ पे लाया हूँ अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए, आपको दिखाने के लिए। बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भैया सर्विस में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें जो है मैकेनिक चेंज करते हैं, तो वो चीज़ आज मैंने एजेंसी में ना कराकर मैं आज यहाँ पे लाया हूँ गाड़ी को सर्विसिंग में, जो आपको बता सकूँ कि किस तरह से यहाँ पर सर्विसिंग की जाती है। चलिए बात करते हैं इन भाइयों से और जानते हैं कि ये सर्विसिंग में जो है क्या क्या चेंज करते हैं, क्या क्या यहाँ पर करते हैं गाड़ियों में। भाई क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन नाम है भाई का। और भाई आप ये बताओ पहले तो कि आप इस सर्विसिंग में जो है क्या क्या चीज़ चेंज करते हो गाड़ी में? तेल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, गियर ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, कूलेंट हो गया। अच्छा, इसमें आप जो है पहले चेक करते होंगे सारे फिल्टर, मतलब चेंज करने के लायक हैं या नहीं है। अगर चेंज करने के लायक नहीं होंगे तो आप उसे चेंज नहीं करोगे। हाँ, बता देते पहले। अगर सिचुएशन ख़राब होती है वहाँ पर, कंडीशन उसकी ख़राब होगी तो आप चेंज कर दोगे उसको। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। इसमें और कुछ भी खुलेगा? और यहाँ पे जो ऑयल है, इंजन ऑयल, इस भाई ने निकाल दिया बाहर, तो एक बार इस इंजन ऑयल को जो है बाहर निकलवा के देखते हैं कैसा है। भैया एक बार ये निकाल दोगे आप इंजन ऑयल बाहर, ये जो रखा है इसमें? ये है जी इंजन ऑयल यूज्ड, जिससे कि गाड़ी जो है 10,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। तेल बहुत गंदा भाई इसका। आप देख पा रहे हो कि ब्लैक जो बिल्कुल काला पड़ गया है तेल, तो इंजन ऑयल को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। लास्ट सर्विस जो है मैंने 47,000 किलोमीटर पे कराई थी और अब ये गाड़ी 56,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसकी जो है सर्विस ये मांग रही थी गाड़ी। भाई ये क्या चीज़ होती है यहाँ पे, कौन सा फिल्टर होता है ये? ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर, ये ऑयल फिल्टर होता है यहाँ पे। ये बैटरी क्यों खोल रहे हैं भैया? वैसे बैटरी, ये डीजल फिल्टर चेंज करने के लिए बैटरी हटाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, डीजल फिल्टर जो इसके नीचे होता है? हाँ जी, इसके पीछे होता है। अच्छा अच्छा। पेच कस दे, छोटा एक चार का पेच कस दे, या तो आठ की टी दे। पतला ले आइए क्या? दस की टी नीचे है क्या छोटे? दस की टी दे, दस वाले दस की टी नहीं रहा है वह। ये है क्या भैया वो? हाँ जी, डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर, डीजल फिल्टर बॉडी उसी में, फिल्टर उसी में डलता है। अच्छा जी। दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे डीजल फिल्टर होता है। इस डीजल फिल्टर को निकाल के भाई चेक करेंगे, इसके फिल्टर बॉडी के अंदर फिल्टर होता है। हाँ जी हाँ जी। इस आप डीजल... इसे चेक करोगे पहले? हाँ, इसे मतलब... खोल के देखेंगे कि ये कैसा है, सही है या खराब है। अगर खराब होगा तो डल जाएगा, नहीं सही होगा तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छी बात है। ये अपना एयर फिल्टर बॉडी है, ये वाली जो है। हाँ जी, जो मैं खोल रहा हूँ ये एयर फिल्टर बॉडी, ये है। इसको एयर फिल्टर बॉडी बोलते हैं। अब इस एयर फिल्टर को चेक करेंगे भाई साहब, इसमें एयर फिल्टर डलता है। पेच कस दे भाई, एक चार का एयर फिल्टर बॉडी, खोल के दिखाई दूं? इसके अंदर होता है एयर फिल्टर, दिखा दे भाई, खोल के दिखा दे। ये
एयर फिल्टर मैंने 47,000 किलोमीटर पे लास्ट ईयर चेक बदलवाया था, तो आज देखते हैं कि ये कितना गंदा है, साफ है या कैसा है। ये है भाई साहब हमारा एयर फिल्टर, इसमें धूल है बहुत ज़्यादा, डस्ट इसमें है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये चौक हुआ पड़ा है, इसको जो है बदलना ही पड़ेगा। एक बार देखो भाई साहब, देखो बहुत ज़्यादा धूल निकल रही है इसमें से, अभी इसको चेंज करवा ही देंगे हम। देखो यार कितनी धूल निकल रही है भाई इससे। अब यहाँ पे भैया खोल रहे हैं डीजल फिल्टर बॉडी को और डीजल फिल्टर बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि डीजल फिल्टर के क्या हालत है अभी। ये है जी हमारी डीजल फिल्टर बॉडी। अब इसमें से इसके अंदर डीजल फिल्टर होता है, इसके अंदर डीजल फिल्टर होता है। और अब डीजल फिल्टर को चेक करके देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर निकलेगा फिर। भैया इसको खोल के दिखाओ यार, देखना मुझे। पापा ही लगता है ये चीज़ को यूज़ करके भाई साहब इसको खोलने वाले हैं, डीजल फिल्टर को निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे। इतना टाइट होता है क्या भाई ये? और ये भैया जो इस लिड को ओपन करके अब निकालेंगे यहाँ से डीजल फिल्टर। भैया ये है डीजल फिल्टर। अब भैया इसका कैसे पता लगाओगे, मतलब ये ठीक है या नहीं है, कैसी हालत है इसकी? ये जी इसके अंदर अभी दिखा। हाँ ये देखो ये कचरा आ गया, ये चौक हो गया। अच्छा ये कचरा इसके अंदर निकला वो साफ है और फिल्टर के अंदर जो है ये काला है। अच्छा ये अच्छा, मतलब है इसका कैसे पता, अगर अंदर से काला है तो इसका मतलब डीजल फिल्टर बदलने वाली हालत खराब है। और ये ऐसे भी बाहर से ये चौक हो जाता है ताकि इससे डीजल खुल के नहीं जाता। अच्छा हाँ जी, जब ये देखो ना ये डीजल जो इसके अंदर निकला वो काला है, जो बॉडी के अंदर था वो छन के गया हुआ था, बॉडी के अंदर वो साफ था। हाँ जी इस वजह से ये चौक है खराब। और ये है इसका ऑयल फिल्टर। अब ये ऑयल फिल्टर भी चेंज करने की जरूरत है? हर सर्विस में ऑयल फिल्टर चेंज होता ही होता है। अच्छा ऑयल के साथ चलता है इसलिए ये चेंज होता है। के इसी से जाएगा ना आगे। सही बात है, इसलिए ऑयल फिल्टर जुड़ रही है, ऑयल चेंज करा तो फिल्टर जुड़ रही है। होता है इसके अंदर जो है कूलेंट होता है। कूलेंट में भैया क्या चेक करते हो आप? कूलेंट में ये कूलेंट ठीक है। अच्छा क्योंकि अगर ये हरा जैसे दिख रहा है ना इसमें अभी जा मतलब कि चिकनाहट है, अगर ये खराब होता तो ये बिल्कुल व्हाइट पन में मतलब हल्का फीका पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। इसलिए चिकनाहट भी खत्म हो जाती, इस वजह से ये हमें हमारा ये कूलेंट ठीक है। अच्छा भी है। हाँ जी ये अपना कूलेंट ओके है, जो इंजन में पानी चलता है। और यहाँ पे गियर ऑयल कहाँ पे होता है भैया? गियर ऑयल तो जी अपने ये गियर बक्से में होता है। अच्छा और ये रहा ये गियर बक्से में जो ऑयल निकला है ये देखो, इसके गियर बक्से का जो ऑयल निकला है ये देखो, ये गंदा बिल्कुल हो रहा है। ये गियर ऑयल है? हाँ जी, ये जो चमकता हुआ है ना इस वजह से ये गियरों का और बैरिंगों का जो बुरादा होता है उसकी वजह से ये चमक रहा है। अगर ये साफ होगा तो ऐसा नहीं होगा।
अच्छा। ये इससे भी साफ तेल निकलेगा और इसमें चिकना ऐसे चमक सी नहीं आएगी, चमक नहीं होगी इसमें, एकदम साफ हो गए। हाँ जी, ये जैसे ये चमक दिखा रहा है ना, ये गिस गिस के जो है उन्हीं का जो बुरादा इसके अंदर, बुरादा उसके इसके अंदर इंजन ऑयल नीचे है, वाइट पंप दिख रहा है, दिख रहा वाइट पंप दिख रहा है। इनको ब्रेक पैड, ब्रेक पैड तो पिछली सर्विस पे बदलवाए आधे से, मतलब ज्यादा थोड़ा सा फालतू है, अभी चलेगा, चल जाएगा ना अभी, बस यही है आज क्या सर्विस। तो ये सारी चीजें लानी है मुझे, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डीजल डीजल फिल्टर, तीनों फिल्टर और इंजन ऑयल, इंजन ऑयल है ना। हाँ जी, चलो और गियर ऑयल, और गियर ऑयल भी लाना है, गियर ऑयल भी। तो भाइयों हमें जो अब इस गाड़ी में डालना है वो है एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर, और उसके साथ साथ गियर ऑयल और इंजन ऑयल। तो ये सारी चीज़ें अभी हम दुकान से जाके लाएंगे और ये भाई इसको दोबारा से डालेंगे। अब डालते टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरह से वो सारी चीज़ों को वहाँ पे कैसे डालते हैं। और अब मनोज भाई जो शुरू करने वाले हैं सर्विसिंग में, जो नई नई चीज़ें हैं उसको डालने वाले हैं। पहले चेंबर में जो नट लगाएंगे, उसके बाद इंजन ऑयल डालेंगे उसमें। उसके लिए नीचे से जा रहे हैं और चेंबर में जो है नट लगाएंगे, बंद करेंगे उस जगह को और फिर उसमें इंजन ऑयल डालेंगे। ये अपना चेंबर का नट, ये चेंबर का नट है जी, ये है चेंबर का नट जो कि यहाँ लग रहा है, और ये रहा ये चेंबर जिसमें से ऑयल निकाला था, इसको लगा रहे हैं, ऑयल निकाला था ना आपने यहीं से। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको नीचे से बंद कर देंगे जिससे कि ऑयल निकले ना, और ऊपर से ऑयल डाल देंगे इसमें। ये हो गया टाइट चैम्बर का। अभी गियर बक्से का जो गियर ऑयल निकाला हमने, हाँ। उसका भी नट टाइट करेंगे और फिर गियर ऑयल डालेंगे बाद में। ये है गियर बक्से का गियर ऑयल का ये नट, गियर ऑयल का जो चैम्बर होता है उसके नीचे। हाँ जी, गियर बक्से का निकालने वाला नट ये है, जिसमें कि मैग्नेट लगा होता है कि कचड़ा इसमें चिपक जाए। अच्छा, और दूसरे वाले में मैग्नेट नहीं होता, जहाँ से डालते हैं टॉप अप करते हैं वो उसमें नहीं होता। ये देखो ये खाली है, इसमें मैग्नेट है, ये ऊपर लगता है और ये नीचे लगता, हाँ, है ना, ये नीचे लगता है ताकि कचड़ा इसमें चिपक जाए। ये हम यहाँ से जहाँ से गियर ऑयल निकालते हैं ये नट, ये रहा यहाँ लगा दिया हमने ये नट। दोस्तों ये जगह है जहाँ से गियर ऑयल को निकाला जाता है, और अब इसको टाइट कर देंगे। इसमें नीचे मैग्नेट लगी होती है, जिस मैग्नेट पे जो है गंद जितनी भी होती है वो सारी चिपक जाती है। जो लोहे के कण है वो इसमें चिपक जाते हैं। ये होता है ऑयल फिल्टर में, ऑयल फिल्टर लगाने से पहले इसमें रिंग लगा होता है, जो कि हम ये रिंग निकालते हैं और दूसरा नया रिंग लगेगा। अच्छा, रिंग क्यों बदलते हैं भैया इसका हर बार? अगर ये रिंग हर फिल्टर के साथ बदला जाता है, अगर ना बदलें तो यहाँ से ऑयल लीकेज होगा। अच्छा, इसलिए रिंग लगा होता है, ऑयल लीकेज ना हो इस वजह से रिंग को बदल देते हैं। फिल्टर में भी रिंग आता है जो कि हमेशा चेंज होता है, तो फिर से लगाया, ये लगा दिया हमने यहाँ ऑयल फिल्टर, नया ऑयल फिल्टर यहाँ लगा दिया। ये
यार टाइट कर रहे हैं तो यार देखो ये हम ऑयल फिल्टर टाइट कर रहे हैं, फिल्टर बॉडी है अपने। यहाँ से ऑयल डालते हैं इंजन ऑयल जो है ना। हाँ जी, मनोज भाई इस जगह से डालने वाले हैं जो है इंजन ऑयल। आप देख सकते हैं अब कि जो नया ऑयल है जिसको हम अभी चेंज कर रहे हैं इसमें और जो यूज़ हुआ था जो निकाला था इंजन से उस इन दोनों ऑयल्स में कितना फ़र्क आ रहा है। वो बिल्कुल काला पड़ गया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम प्योर लग रहा है एकदम नया। वैसे मनोज भाई कितने किलोमीटर पे ऑयल चेंज होना चाहिए गाड़ी ये में? हर 10,000 किलोमीटर पे। हर 10,000 पे? हाँ जी। इसमें 3.5 लीटर ऑयल है। हाँ जी, 3.5। 3.5 ही आता है इंजन में, ज्यादा भी आता है? नहीं जी, 3.5। 3.5 आता है। एयर फिल्टर, और ये फिल्टर कैसा था और ये कैसा है? एकदम नया भी है, इसमें ये बिल्कुल साफ है और उसे देखो कितना डस्ट था उसमें, जो वो बिल्कुल ही उसमें तो दिखाया था बहुत ज़्यादा धूल थी इसमें। तो ये फिल्टर लग गया यहाँ। एक फिल्टर इसमें अंदर भी होता है वो जो डैशबोर्ड के अंदर? हाँ, वो एसी फिल्टर, एसी फिल्टर होता है वो। तो दोस्तों ये लग गया हमारा एयर फिल्टर बॉडी, इसमें नया एयर फिल्टर डाला है हमने। तो दोस्तों अब यहाँ पे डालने वाले हैं डीजल फिल्टर को, डीजल बॉडी के अंदर, फिल्टर बॉडी के अंदर, फिल्टर बॉडी के अंदर जो है डीजल फिल्टर डाले। इसके अंदर भी अलग से रिंग आया है, ये देखो ये है पुराना और ये है नया डीजल फिल्टर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना अंतर है एक नए में और यूज़ होने के बाद ये ऐसा हो जाता है, चौक हो जाता है बिल्कुल। सेफ रहता है इसको 10-12 हज़ार किलोमीटर पे चेंज करना? नहीं नहीं, कम से कम 20,000 रुपये। 20,000 रुपये? हाँ जी, 20,000 रुपये, यानी कि दो सर्विस के बाद ये चेंज होना चाहिए। करने वाले तो एक एक सर्विस में भी करते हैं, मगर 20,000 महंगा है, हम कहते हैं दो सर्विस। 20,000 अब 1100 रुपये देना भी तो ये रिंग यहाँ लगाते हैं ताकि इसका भी डीजल लीक ना हो। ये डीजल लीक होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, हवा ले जाएगी और डीजल भी फैलेगा। ये यहाँ ऐसे पैक हो गया, ये इसका नट है, मतलब इसे अच्छे से टाइट करना बहुत ज़रूरी है। रिंग लगा के इसको टाइट करना ज़रूरी है। ये हो गया अब टाइट, ओके। चलो चलो आप ऐसे दिखा दो, ये डीजल फिल्टर बॉडी लग गया। अब इसे थोड़ी देर में एयर निकाल के गाड़ी चालू करेंगे। एयर निकाल के? हाँ जी। अच्छा, एयर कैसे निकालोगे भैया इसकी? इसके एयर निकालने के लिए एक मेन पाइप डीजल फिल्टर का रखेंगे, जो वापसी जो कि इंजन में जाता है उस पाइप को निकालेंगे, वहाँ अच्छा। से डीजल निकल जाएगा तो एयर निकलना चालू, एयर निकल जाएगा डीजल के थ्रू। अच्छा। फिर हम पाइप लगा देंगे और गाड़ी चालू हो जाएगी।
अगर एयर नहीं निकालते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो भाई ये देख लो, ऐसी डिटेल में अगर आप एजेंसी में जाओगे तो कोई नहीं बताएगा कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मनोज भाई, यहाँ पे पेटी मार्केट है ये तिकोना पार्क में, अगर आप फरीदाबाद में, फरीदाबाद के आसपास कहीं रहते हो, अगर आपको एजेंसी से ना करा कर सर्विस कहीं बाहर करानी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मनोज भाई के पास आकर अपनी कार की सर्विस करा लो। ईमानदारी से सारी चीज़ें बताते हैं, क्या बदलने की ज़रूरत है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें आपको ईमानदारी से बताएंगे। ये चीज़ जो वहाँ लगी, जो हमने गंद आपको दिखाया फिल्टर में है, वो फिल्टर टंकी से जो कचरा आया उसने वहाँ पे फिल्टर करा उसे, इसलिए वो अंदर जो था फिल्टर के अंदर वो तेल था कचरा काला, और जो बॉडी के अंदर था वो था साफ। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर वाला जो तेल है ना फिल्टर होके, वो जाता है दूसरे पाइप से इंजन में, अगर वो डायरेक्ट चला जाए तो इसके इंजेक्टर ही चौक हो जाएंगे, इंजन ख़राब हो जाएगा। सही बात, इसलिए ये वैसे डीजल निकला दो तरह का। चल भाई पंडित जी स्विच लगा, अब यहाँ से हम एयर निकालेंगे। जब हाँ पूरा स्विच लगा, जब यहाँ से स्विच लगा के देखना, अभी इसमें एयर है ये, अब डीजल भर रहा है इसके अंदर, स्विच लगा के डीजल बढ़ता जाएगा, एयर भरता जाएगा, एयर निकलता जाएगा, जब इसमें डीजल आ जाएगा तो हम स्विच काट देंगे और पाइप लगा देंगे। अभी लगा के रख, बस 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 बंद कर दे, ये हो गई हवा निकल, हवा निकल चुकी, अब इसमें डीजल आ गया, अब हम लगा देंगे और फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो सर्विसिंग कॉस्ट है ये वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। मनोज भाई जो लेबर चार्ज ले रहे हैं वो 500 रुपये, और जो डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इंजन ऑयल जो आया है वो आया है सारा 3200 रुपये का, तो 3700 जो है सर्विसिंग कॉस्ट आई है। 55,000 की सर्विस है मेरी, ये 55,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। और अगर आप इसमें डीजल फिल्टर जो है चेंज नहीं कराते हैं तो उसके आपके 200-300 रुपये लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाता है, और 1,100-1,100 रुपये का जो आपका डीजल फिल्टर आता है वो कम हो जाता है, तो 2500 रुपये में आपकी एक नॉर्मल जो है सर्विसिंग हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली जो डीजल फिल्टर है वो 20,000-22,000 तक चल जाता है, उसमें लेबर भी कम हो जाती है। तो मतलब कुल मिला के ये कि नॉर्मल सर्विस आप कराओगे तो 2500 रुपये में पड़ेगी, और अगर डीजल फिल्टर के साथ साथ कराओगे तो उसमें 3700-3800 रुपये में आपकी सर्विसिंग यहाँ पे हो जाएगी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मनोज ऑटोमोबाइल्स के नाम से है यहाँ पे, ये तिकोना पार्क में पेटी नंबर 3, फरीदाबाद के आसपास अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे सर्विस कराने आ सकते हैं। भाई ने पूरी ईमानदारी से हमें सब कुछ बताया है और सारी चीज़ें जो है आपके सामने है इस वीडियो में।